Assalamualaikum, my dear student. हम द प्राइड ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और उसकी कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स बाय गिवन वर्ड्स। एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, उनको हमने इन जो वर्ड्स हैं उनसे फिल करना है। प्रोटेक्टर्स, ब्रेव, गार्ड, वर्ल्ड और प्राइड। पहले हम इनके मानी जान लेते हैं, फिर हम पैराग्राफ में इनकी प्लेसमेंट करेंगे। प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स कहते हैं अ पर्सन और थिंग दैट प्रोटेक्ट समवन और समथिंग, जो हिफाजत करे, बचाए। उर्दू में इसको मुहाफिज कहते हैं, प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्टर की जमा है प्रोटेक्टर्स। ब्रेव कहते हैं रेडी टू फेस एंड एंड्योर डेंजर आर पेन, शोइंग करेज, वो बंदा जो खतरे को खास सामना कर सकता हो और जो बहादुरी दिखाए, हिम्मत दिखाए, और ऐसे बंदे को उर्दू में बहादुर कहते हैं। गार्ड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज आर हार्म, पासवान भी इनको कहते हैं, मुहाफिज भी कहते हैं, जो हमें नुकसान से और दुश्मनी से बचाते हैं। आपने देखा होगा कि जो अहम बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर गार्ड खड़े होते हैं, बैंक्स के ऊपर और ज़्यादा जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, जो कि लोगों ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके। फिर वर्ल्ड, द अर्थ टुगेदर विद ऑल ऑफ इट्स कंट्रीज एंड पीपल, हमारा जो अर्थ है, दुनिया है, इसमें ही सारे मुल्क हैं और इसके रहने वाले लोगों को हम दुनिया के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, और यही इसको उर्दू में दुनिया कहते हैं। प्राइड, प्राइड कहते हैं फ़ख्र को, कॉन्शियसनेस ऑफ वन्स ओन डिग्निटी, बंदे को अपनी डिग्निटी का, अपनी इज्जत का ख्याल हो, उसको कहते हैं फ़ख्र, प्राइड। पाकिस्तान आर्मी इज डैश ऑफ आवर कंट्री, पाकिस्तान आर्मी क्या है, प्राइड ऑफ आवर कंट्री, हमारी, हमारे मुल्क का फ़ख्र है हमारी आर्मी। आर्मी में जो है वो एयरफोर्स भी आती है और मिलिट्री भी आती है और जो है वो नेवी भी आती है, जो समुद्रों में हमारी हिफाजत करती है और जो फ़ज़ा की निगरानी करती है, उसे एयरफोर्स कहते हैं। दे आर डैश ऑफ द नेशन, आप देखें कि दुनिया पाकिस्तान का जो मदर लैंड है, जो नक्शा है, उसके हर बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, तो दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन, ये कौम के बचाने वाले हैं। दे डैश आवर मदर लैंड, दे गार्ड आवर मदर लैंड, किसी भी नुकसान से या किसी भी बाहर के दुश्मन से हमें बचाते हैं। दे गार्ड आवर मदर लैंड। देर आर मैनी हीरोज़ इन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी में बहुत से हीरोज़ हैं। मैनी डैश सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर दिस कंट्री, आप पढ़ चुके हैं कि 11 हमारे ब्रेव आर्मी सोल्जर्स थे जिन्हें निशाने हैदर दिया गया। तो मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर दिस कंट्री, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपनी जिंदगियों को कुर्बान की है। इधर आएगा ब्रेव। पाकिस्तान आर्मीज अमंग द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, आप देखें ये दुनिया की 10 टॉप आर्मीज हैं और पाकिस्तान जो है वो रशिया के बाद पाकिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान एटॉमिक पावर भी है और बेस्ट ऑफ द, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, तकरीबन 200 के करीब दुनिया में वर्ल्ड है, उसमें पाकिस्तान का 7th नंबर है, 6th नंबर है। तो यहाँ पे आएगा पाकिस्तान आर्मी इज अमंग द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें चाहिए कि अगर हम अल्लाह पे ईमान लेके आते हैं तो हम सच बोलें, क्योंकि सच बोलने वाला नेकी के रास्ते पे चलता है और नेकी के रास्ता जो है उसे जन्नत में ले जाता है। अपने ऊपर लाजम कर लें कि आपने कुरान मजीद को उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब तक हम कुरान को समझेंगे नहीं हम उस पर अमल नहीं कर सकते। तो जब आप इतनी और किताबें पढ़ते हैं तो कुरान को तर्जुमे से पढ़े बगैर अपना दिन ना गुजारें। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।